आइफा का देखो, पहले भी आप लोग आए, बहुत अच्छा आपने जनता की बात उठाई, आपका चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जनता की बात उठाए तो और जनता के बीच में बात पहुँचा दो, GST खत्म कर दे, टैक्स कम कर दे जी, कहीं ना कहीं हमारे पे टैक्स खत्म करना, काम खत्म करें ना, जब भी तो व्यापारी खुश होएगा, जब भी तो व्यापार चलेगा, जब भी तो हम टैक्स जो आज वैसे तो हम पूरा पूरा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जी, मगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं है तो हम क्या टैक्स देंगे। मंच में आपका स्वागत है, मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की, और लगातार आईपा मंच की टीम जमीनी हकीकत आपको दिखाने का प्रयास लगातार कर रही है। और इसी को लेकर आज हमारे बीच हैं झांसी की रानी व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष नदीम जी, सीधा उन्हीं से ही रूबरू हो गए। नदीम जी, आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, आईपा की इस मुहिम को नदीम जी कैसे देखते हैं आप? आईपा का देखो, पहले भी आप लोग आए, बहुत अच्छा आपने जनता की बात उठाई, आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जनता की बात उठाए तो और जनता के बीच में बात पहुँचा दो। अच्छा, आज हमें एक बात बताएं नदीम जी, पहला सवाल है मेरा व्यापारी से ही, व्यापारी आज किन किन चीज़ों से परेशान है, किन किन मुद्दों को लेकर परेशान है? देखो, व्यापारी तो GST से परेशान है। GST जो लगा दी इन्होंने, हमारी सरकार ने, GST हटानी चाहिए। देखो, व्यापारी जो है कोरोना काल से ज़्यादा परेशान हो गया। कोरोना काल में जो है व्यापारी पे जो बंदी से लगी, जो काम नहीं चला, उसमें व्यापारियों कहीं ना कहीं है शोषण हो रहा है जी। लेकिन GST का तो सरकार के द्वारा कहा गया था कि GST टैक्स आएगा तो सभी टैक्स जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ होया ही नहीं, GST आने के बाद टैक्स तो कोई कम होया ही नहीं। टैक्स तो और अभी चुनाव से पहले भारत सरकार कपड़े पे टैक्स लगाना काम कर रही थी, ये तो हमने विरोध करा। विरोध ना करते, चुनाव ना आते, वोट ना डलती, तो हमें ऐसा लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं हमारे पे टैक्स लगाने का काम करती कर रही है। कोरोना काल की भी आपने बात की, क्या प्रभाव व्यापारी पर पड़ा है कोरोना का? देखो, पहला जो लॉकडाउन था उस टाइम तो हमने झेल लिया था, दूसरे में हमारी जो जेब के अंदर जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई थी, मगर सरकार की तरफ से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। व्यापारी का इतना नुकसान होया है, देखो पहले 3 महीने का लॉकडाउन लगाया, फिर अब अगली बार 2 महीने का लॉकडाउन लगाया सरकार ने, तो सरकार ने हमें तो कहीं भी जो है छूट नहीं दी। अब देखो, आप व्यापारियों के पास जब ग्राहक आता है उसकी जेब में पैसा नहीं होता, वो खाली हाथ जाता है, तो व्यापारी का घर कैसे चलेगा? व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान है, व्यापारी का शोषण हो रहा है जी। तो व्यापारी की जो समस्या है सरकार को सोचनी चाहिए। देखो, हम लोगों ने लोन भी ले रखे हैं और कुछ हमारे यहाँ चलता है, हमें लॉटरी वगैरह भी डाल रखी है, ब्याज भी पैसे भी लगा रखा है, तो कहीं व्यापार से ही तो उतार के, जब व्यापार के पास व्यापार चलेगा, जब पैसा जाएगा व्यापारी के पास, जब भी तो सब जगह बटेगा जी। ऐसा कुछ हो ही ना, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हमारा शोषण करने का काम किया है। कोरोना काल इतने लंबे समय तक चला है, तो ऐसे में व्यापारी ने जो अपने घर के घरेलू खर्चे हैं, ऐसे में उन्होंने कहाँ से मैनेज किया? देखो, जो हमारे पास जमा पूंजी रखी थी वो हमने मैनेज किए, कुछ हमने जो हमारे खर्चे थे वो हमने अपना हाथ थोड़ा टाइट करा, हमने करे, कुछ हमने कर्जे लिए, और हमारे जो है देखो दुकान पे जो पहले 5 लड़के काम कर रहे थे आज भी 2 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है, मगर वो बढ़ी है महंगाई की वजह से। पेट्रोल डीजल के रेट इन्होंने 10 पैसे, 5 पैसे, 50 पैसे डेली बढ़ाने का काम किया है भारत सरकार ने। डीजल पेट्रोल के जो बढ़ते दाम हैं, इससे व्यापार पर क्या असर पड़ता है? देखो, जब डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट पर गाड़ी चली, जो भाड़ा इनका छत आता है, ये डबल टेबल भाड़ा लेते हैं। हमारा माल पहले दिल्ली से आता था 100 रुपये पन्नी, अब 300 रुपये पन्नी आ रही है, तो वो जनता के बीच को निकलेगा जी। हम अपनी जेब से देंगे नहीं, क्योंकि जो 5 रुपये की चीज़ थी आज वो 100 रुपये की हो गई। आज इतनी महंगाई हो गई, जो 70 रुपये किलो तेल था, मैं अभी क्या नाम कुछ काम करने के लिए गया, यानी कि मैं आपसे बता ही दूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे जो है चनका आ गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया। आज से 5 साल पहले भी मेरे चनका आया था तो मेरे 100 रुपये लगे थे, जब मैंने उनसे इलाज करा लिया अपना तो उन्होंने कहा भाई अब 300 रुपये दो, तो मुझे वाजिब मालूम होया कि यार महंगाई अब बढ़ी है। क्यों? जब तो मुझे ये लग रहा था कि भाई जेब में पैसा है खर्च करता था, जेब में पैसा है खर्च करता था, मगर जब मैं डॉक्टरों के पास गया, तेल के रेट पूछे, खाने के रेट पूछे, तो मुझे लगा वाकई कि महंगाई बढ़ गई, कहीं ना कहीं सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। यानी महंगाई से जनता के साथ साथ व्यापारी भी परेशान है। जाहिर सी बात है, व्यापारी तो परेशान होगा ही, जब जनता के पास पैसा नहीं रहेगा, जनता के पास व्यापारी
व्यापारी के पास जनता नहीं आएगी, दुकान पर ग्राहक नहीं आएगा, तो व्यापारी के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो व्यापारी परेशान होगा। देखो उन्होंने जो है हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं चौपट करने का काम करा है, ख़त्म करने का काम क्या है। व्यापारी की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो व्यापारी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है? व्यापारी तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप बताओ, व्यापारी जो अपनी दुकान से निकलता है जी, तो वो महसूस करता है कि तेरे साथ कहीं आगे जाके दुर्घटना ना हो जाए। मगर हम ये भी कहते हैं सरकार ने गुंडागर्दी ख़त्म करने का काम किया है, मगर व्यापारी की जेब में फ़िलहाल तो पैसा ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ना तो हमारी जेब में पैसा है और ना ही इनसे सुरक्षा करी जा रही है हमारी। अच्छा नदीम जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। 2013 के दंगे में हिंदू और मुस्लिम मुजफ्फरनगर का जो था वो कहीं ना कहीं अलग अलग बट गया था, तो क्या लगता है आज मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम अलग अलग है या फिर भाईचारा बन चुका है? 2013 में जब झगड़े हुए थे वो हम मुजफ्फरनगर की जो हमारी जनता है वो गलत फहमी में आ गई थी जी। वो हमने फिर बैठ के हमारे जो बड़े यहाँ के मौजूद आदमी हैं, दोनों समुदाय के वो दोनों लोग बैठे, उन्होंने समस्या को ख़त्म करा। और 2013 के बाद भारत सरकार आई, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि गुंडागर्दी ख़त्म करने का काम किया जी। और हम आपके माध्यम से कहते हैं, सबसे मेन बात हमारे जो व्यापारी है, व्यापारी को कुछ ऐसी योजनाएं चला दे जो व्यापारी के भीतर जो है उसका सफल ना हो। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, क्या कहें, थोड़ा योजनाएं बताएं वे कि व्यापारी का जो है शोषण न हो पाए। क्या करना चाहिए सरकार को? जीएसटी ख़त्म कर दें हमारे लिए, जीएसटी ख़त्म कर दें, टैक्स कम कर दें जी। कहीं ना कहीं हमारे पे टैक्स ख़त्म करना काम कर ख़त्म करें ना, जब भी तो व्यापारी खुश होएगा, जब भी तो व्यापार चलेगा, जब भी तो हम टैक्स जो आज वैसे तो हम पूरा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को जी, मगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं है तो हम क्या टैक्स देंगे। यानी जीएसटी और टैक्स अगर ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारी ठीक हो जाएगा, जो व्यवस्था है व्यापारी की जो सब ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक तो होगी और होनी है। मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में क्या लगता है आपको कि कितना विकास कार्य हुआ है? हमारे जो मंत्री जी थे कपिल देव जी, वो इस मामले में बिल्कुल जीरो हैं। ऐसा मंत्री अपनी भविष्य में मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं जिसने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ पैसा भरने का कमाने का काम किया। यानी मुजफ्फरनगर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल जीरो। ये देख लो आप ही देख लो, आप तो अभी सड़क पर चल के आए हैं, वही पुरानी सड़कें हैं, पुराने डिवाइडर हैं, पुराने खंभे हैं, पुरानी बिल्डिंग है, क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया, बिल्कुल जीरो को जीरो रहे। अच्छा, ऐसी कोई बड़ी समस्या बताएं मुजफ्फरनगर की जिससे जनता परेशान है? सबसे मेन तो ई रिक्शा है, ई रिक्शा में जो है जाम लगा रहता है, जाम लगता है ट्रैफिक वालों की वजह से, वहाँ चौराहे पे खड़े हुए पैसे लेते हैं, गरीब आदमी से पैसे लेते हैं ट्रैफिक वाले, मगर मुजफ्फरनगर की जनता परेशान है, इन ट्रैफिक वालों से सबसे ज़्यादा परेशान है, ये वहाँ पैसा कमाने का काम करते हैं। नहीं तो ट्रैफिक का पैसा लेना और जाम का दोनों का क्या रिलेशन है? देखो जब आप वहाँ पर कोनों में को ले जाके दो पुलिस वाले जब कोनों में को चले गए जो वहाँ जाम खुलवाना काम कर रहे थे, वहाँ 15 मिनट उसके साथ लगा रहे पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ जाम तो लगेगा ही, क्योंकि हमारी मुजफ्फरनगर की जनता उल्टी चलती है। आपने देखो हेलमेट का चलान इन्होंने दुनिया भर के काटे, मगर हेलमेट नहीं पहना उन्होंने, तो हेलमेट तो पहनने के नहीं पैसा देना मंजूर करते हैं। तो यहाँ की जनता को और जो सुधार चाहिए तो यहाँ फोकस रखना पड़ेगा सरकार को। लेकिन नदीम जी, सुनने में आया है कि मौजूदा जो विधायक थे, विधायक के द्वारा सुनने में आया कि क्राइम को मुजफ्फरनगर में ख़त्म कर दिया गया है। अरे वो तो योगी जी ने कराया ना, विधायक जी ने तो कुछ नहीं करा। विधायक जी तो दिल्ली पड़े रहते थे, नखलाओ पड़े रहते थे, मंडी में जाके देख लो आप गांधी कॉलोनी की सड़कें टूटी पड़ी है सारी जी। क्या विकास किया है? कुछ भी विकास नहीं किया। कोई विकास कार्य मुजफ्फरनगर में? कोई विकास कार्य नहीं, आप देख लीजिए, सिर्फ उन्होंने जो है कि पत्थर लगवाया, उस पत्थर का जो है कुत्ता काटा, कहना सड़क बन गई, ये काम किया है। ये हमारे साथ नदीम जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि मुजफ्फरनगर का जो व्यापारी है वह अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है और न ही मुजफ्फरनगर में कोई विकास कार्य विधायक के द्वारा कराया गया है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, आई पमंच, मुजफ्फरनगर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।